गुड मॉर्निंग गाइस, ये संडे का ब्लॉग है और हमने हस्बैंड को संडे सुबह सुबह सब्जी के लिए भेजा। सब्जी खरीदने के लिए बहुत सारे साग लाए थे और विंटर में तो साग ही साग है मार्केट में भी, बस खरीदना आना चाहिए। तो हस्बैंड ने लेकर आ गए थे, मैं चेक कर रही थी क्या क्या लाया क्या क्या नहीं लाया है। सो धनिया के अलावा बाकी सब लाया, धनिया पत्ता लाना भूल गई। और इधर हमने मैंने फिश रखा था, घर पे ही आते हैं ना फिश बेचने के, उधर से ही रखा था। सो इधर फ्रूट वगैरह भी लाया था और मार्केट से ना ये सामान अरेंज करने में भी टाइम लगता है। मैं खाना बना कर हम लोग चले गए थे चारों के चारों कैंटीन में, बैग लाना था ट्रॉली बैग। और आंटी और अंकल कलकत्ता जा रहा है, सो उसी के लिए मतलब एक बैग की ज़रूरत है, तो उन्होंने बोल के रखा था। मैंने बोला चलिए जाना तो है ही। सो वो 16 तारीख को जा रहा है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि कब कैंटीन जाए कब नहीं जाए, क्योंकि नेक्स्ट वीक वीकेंड दो दिन है, लेकिन उधर बिहू के लिए बंद भी रख सकता है, मकर संक्रांति का बंद भी हो सकता है। सो इसलिए इस हफ्ते और बहुत ज़्यादा भीड़ था, जैसे तैसे करके आ गए थे, लेकिन आते ही देखे घर में पार्सल पड़ा हुआ था और भी फोन आ रहा था और दो पार्सल आ गया था मेरा। और उधर हर्षिता का तबीयत अचानक ख़राब हो गए थे, खेल रहे थे हस्बैंड जब बिलिंग में थे, मतलब बिलिंग काउंटर पे थे, तो वो अचानक से गोदी लेने की डिमांड कर रहे थे। तो उसको गोदी लेके जब गोदी लिया तब पता चला उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था और उसका आँखें भी लाल हो गया था और वो छूना चाह रहे थे। फिर क्या करें, लेकिन बिलिंग में भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, जैसे तैसे करके आधा घंटा रखी और उधर ही मतलब उसकी हालत ऐसे मतलब बैठे थे। और हर्षिता क्या है, हम ऐसे खेलते कूदते सा मतलब वो उसी तरीके से रहता है, शैतानी करते हुए रहता है उस तरीके से, कहीं एक जगह पे चुपचाप रहता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। सो वही हुआ और गाड़ी में उठाकर लाने के लिए मतलब हम लोग जब रिटर्न हो रहे थे रास्ते में वो सो गए थे, और इसीलिए जल्दी जल्दी आकर उसको वहाँ सोचा खाना खिलाऊंगी, लेकिन खाना खिलाने के हालत में ही नहीं थे। उसको तुरंत के तुरंत थोड़ा सा पैरासीटामोल खिलाया और पैरासीटामोल खिलाते ही इतना बुखार आ गया था, देखकर नहीं लगा कि उसको कोई भी वो खाना पीना खाने के लाया मतलब हालत पे है। सो उसको सुलाई और सुलाने के बाद हमने खाना खा लिया, उसके लिए खाना बना रखी हूँ, देखती हूँ कब उठेंगे। और उसी चक्कर में ना मुझे नींद आ रहा था ना कुछ आ रहा था, इतना डर लग रहा था। तो सोचा जब तक नहीं उठता है ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब वो उठेंगे ये सब नहीं होगा, बाद में टाइम भी नहीं मिलेगा, हस्बैंड भी सो रहा था और वो ये सब करके नहीं देंगे, ये सब काम मुझे ही करना पड़ता है, दूसरे के हस्बैंड करते होंगे, मेरे हस्बैंड नहीं करता ये सब काम, उसको बहुत गुस्सा आता है। मुझे भी गुस्सा आ रहा था, नींद भी आ रहा था, थकावट भी हो गई थी पूरा, लेकिन वो होता है ना बच्चे जब खाना वाना नहीं खाते हैं ना तो एक अजीब से बेचैनी होते रहते, तो उस बेचैनी में आपको नींद भी नहीं आएगी, तो फ़ायदा नहीं है छोने का, तो ये काम ही कर लिया इसी वजह से। मुझे जस्ट एक ही है कि बच्चा कब थोड़ा सा उठ जाए, देखते क्या है क्या नहीं है। और ये सब काम करते करते ना बहुत ही मतलब थकावट भी होता है और मुझे इरिटेशन हो रहा था, क्योंकि एक तो दिमाग में टेंशन चल रहा था, ऊपर से ये सब असेंबल नहीं हो रहा था, कोई खुल रहा था कोई ये हो रहा था। कमरेट के अंदर ठीक है, इतना हैवी नहीं है, बट मैंने ये ना शू अरेंज करने के लिए रखा था, क्योंकि मेरा शू वगैरह ऐसे प्लास्टिक में रख देते हैं ना या मतलब फोल्ड करके रख देते हैं ना, तो वो सब ख़राब हो जाता है, मेरा बैग वगैरह ख़राब हो रहा है। और इधर क्या है, हम लोग कवर नहीं खरीद सकते, तो इसलिए यही ऑर्डर किया है, देखते हैं। अभी फिर बाद में पता चला इसके अंदर ये डालना था, लेकिन अभी कौन डालेगा, तो इसलिए मैंने ऊपर से ही डाल के रख दिया। अभी लास्ट में ये सब करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा आलस लग रहा था, सो मैंने ये सब नहीं किया है, ऊपर से कपड़ा वगैरह रख दिया। नेक्स्ट टाइम अगर इसको खोलना पड़े तभी मैं ये मतलब अंदर वाला सब लगाऊंगी। सो या काम सुलाव टाइप है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। सो इसको ठीक करने में मेरा बहुत टाइम चले गए, मुझे बहुत थकावट सा भी हो रहा था, बट मुझे एक ही टेंशन था हर्षिता का, पूछे थोड़ा सा उसको खिलाओ। अभी इसको अंदर रख देती हूँ, बाहर नहीं रख सकती क्योंकि इधर इतना ज़्यादा धूल वगैरह है और
मैं वो लाई लाते लाते आकर देखी हर्षिता उठ के बैठे थे। शायद उसको भूख लगी थी, बोल भी नहीं सकते। उसको खाना वाना खिलाई, फिर उसको रख दिया था, फिर सो गए थे वो। शायद भूख लगी थी भूख की वजह से। और मैं ये सब थोड़ा सा जो डेली वेयर का शू वगैरह है, सैंडल वगैरह है, मैंने उधर रख दिया। बाकी क्या मैं निकाल के इधर रख दूँगी अच्छे से, ताकि कहीं भी जाना पड़े तो उस सब निकालने में मुझे परेशानी ना हो जाए। ये मतलब कम रेंज के अंदर एक अच्छा सा मतलब है, शू वगैरह रखने के लिए अच्छा है। मेरे लिए मैं सजेशन तो नहीं देना चाहती हूँ, पता नहीं सजेशन उतना भी अच्छा नहीं है कि मैं दूसरों को सजेस्ट कर लूँ। और ये जो ऑरेंज वाला ड्रेस लाई थी, ये मैंने अभी चेक किया खबराहाट में या हरवरी में, मैंने शायद डबल एक्सेल ऑर्डर किया, इसको चेंज करना पड़ेगा। और ये है नेक्स्ट डे का, मतलब शायद रात का ब्लॉग है। पूरा दिन बच्चा बेड से उठ नहीं पाया था, पूरा दिन सोए रहे, ना खाना खा सकता ना कुछ। और पैरासीटामोल देते रही, और अभी थोड़ी देर में इसको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। उसको पापा उसके लिए इसलिए गिफ्ट लेकर आ गए ताकि गिफ्ट दे के थोड़ा सा खुश हो जाए। और गिफ्ट दे के सचमुच वो उठ गए थे। वो होता है ना, बच्चे जब तबीयत खराब हो जाए तो अच्छा भी नहीं लगता है। बट इसमें एक मतलब कंडीशन है कि एक मतलब महीने में या फिर दो तीन महीने के बाद एक बार होता तो ठीक है, लेकिन डेली डेली लगता है 4-5 महीने से लगातार बीमार है। और हमारी एज ए पेरेंट्स जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, मैं बोल भी नहीं सकती। चलिए अभी उसको हॉस्पिटल लेके आई थी, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट वगैरह कराने के लिए दे दिया है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, आप लोगों को अपडेट करते रहूँगी। उसको ना बहुत इंजेक्शन का डर है और उसको डेली डेली अभी इंजेक्शन लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, मैं इस हालत में, मैं ब्लॉग बनाने के हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अभी खुश होने की कोशिश तो कर रही हूँ, मतलब अच्छे से रहने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो होता है ना एक चिंता होता है। और इस हालत में ब्लॉग वगैरह बनाने का मन भी नहीं करता है। और ये ब्लॉग भी शायद मैं बिना मन के मैं बना रही हूँ, अच्छा भी नहीं लग रहा है। चलिए आप लोग प्रे कर दीजिए हर्षिता जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।